अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ जमाला। आप देख रहे हैं एंगर अकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से एक और टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 का, जिसका नाम है डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स, और टॉपिक का नाम है कॉर्डेट्स, जिसका पार्ट नंबर 3 है, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स को देखेंगे। तो ग्रुप वर्टिब्रेटा जो हमारा कॉर्डेट्स का है, तो ये ऐसे वर्टिब्रेट्स है जिनके पास जो है नोटोकॉर्ड आगे चल के रिप्लेस होता है डेवलपमेंट के दौरान किस चीज़ में, एक तो बैकबोन में या जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। वर्टिब्रेट जो है ये एडाप्टेशन शो करते हैं जिन्होंने सक्सेसफुल जो है इन्वेजन की हुई है, सक्सेसफुली हमारे जो है रह रहे हैं हैबिटाट्स में, ठीक है। तो वन ऑफ द प्रेजेंट्स इनमें से जो एक जो मौजूदगी होती है वो होती है इनके पास पेयर्ड ऑफ अपेंडेजेस, ठीक है। ये फर्स्ट अपियर जो हुए थे ये फिंस ऑफ फिशेस में, जो आगे चल के इनके लिए स्टेबलाइजर फॉर द स्विमिंग, जो इनको तैरने मदद कर रही थी, ठीक है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल गुजरने के बाद जो है कुछ फिशेज ने जो है मॉडिफाई किया नेचुरल सिलेक्शन को, और इन्होंने जो है लेग्स अलाउ की ताकि वो जो है क्रॉल कर सके जमीन के ऊपर, ठीक है। लेटर ऑन आगे चल के फिर इन्होंने जो विंग्स इनमें आना शुरू हो गई हवा में उड़ने के लिए, फिर इन्होंने जो है आगे आगे अपनी जो है एडाप्टेशन इंक्रीज की साइज में और कम्प्लेक्सिटी में, ब्रेन में और इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स में। क्लासिफिकेशन जो वर्टिब्रेट्स की आती है इनमें हमारे पास जो इनके मेजर 7 ग्रुप्स है, ठीक है। उन 7 ग्रुप्स में पहला जो ग्रुप है जिसको हम कहते हैं जॉलेस, मेजर इसके जो है फीचर 2 ग्रुप्स है, ठीक है, जिनमें एक हमारे पास जॉलेस आती है और दूसरी जॉस। तो जॉलेस को कहा जाता है एग्निथा ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का, जिसके अंदर जो है दो ग्रुप्स आते हैं जॉलेस फिशेस का। इनमें एक हमारे पास आती है हेग फिश और दूसरी हमारे पास इनके पास जो आती है उसका नाम है लैम्प्रे, ठीक है। इनके पास जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेजेस का होता है और इनका जो शेप होता है वो ई लाइक होता है। ई लाइक मतलब कि जैसे शुरुआती रातों में जो है चांद के जो सूरत होती है, जैसे चांद बना हुआ होता है वैसे होती है, बिल्कुल ऐसे तरीके से। अनपेयर्ड फिन्स, इनके पास पेयर्ड फिन नहीं होती, अनपेयर्ड होती है, एक ये फिन होगी और एक ये अनपेयर्ड फिन होगी। इनके पास जो है अनपेयर्ड लोकेटेड ऑन द डॉर्सल लाइन, ये पीछे की तरफ है डॉर्सल लाइन की तरफ। इनके पास जो है स्केल्स नहीं होते तो ये बिल्कुल स्केल के बगैर है। इनके पास माउथ जो होता है सिल्मी स्किन परफोरेटेड होता है, मतलब कि इसके अंदर सुराख होता है, ये माउथ के अंदर सुराख है, ठीक है। इनके पास सर्कुलर गिल्स होती है ओपनिंग, ये इनकी जो है सर्कुलर गिल्स ओपनिंग होती है, ये माउथ इनका है, ठीक है, ये इनका माउथ है और ये इनकी गिल्स की ओपनिंग है। देन दूसरा हमारे पास जो आता है जिसको हम कहते हैं क्लास कोंड्रोसाइट्स, ठीक है, या इनको जो हम कहते हैं कि क्लास कार्टिलेजियस फिशेस। ये वर्टिब्रेट्स का ये शार्क स्केट्स रेज इनमें आ जाती हैं, जिनको कॉमनली कार्टिलेजियस फिशेस कहा जाता है, ठीक है। ये रिलेटिवली फ्लेक्सिबल होती है, लार्ज होती है, मेड बनी हुई होती है किस चीज की, कार्टिलेज की, बोन्स के अलावा, बोन्स से लेकर अगर हम कहेंगे बोन्स की तो बोन्स से हटकर ये जो कार्टिलेज की बनी है। इनकी जो एक्सोस्केलेटन बनी हुई है वो बनी हुई है नंबर ऑफ शार्प जो है इनेमल कोटेड डेंटिकल्स की, जिनको प्लेकॉइड स्केल्स कहा जाता है। स्केल्स इनकी जो है कवरिंग होती है, माउथ इनका जो है वेंट्रल होता है इन पोजीशन आगे की तरफ होता है, ठीक है, और इनका टेल जो है हेट्रोसर्कल है। हेट्रोसर्कल क्या होता है, मीन्स के जब आप टेल को देखेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स में नहीं, दो अनइक्वल पार्ट्स में, टेल इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड द हेट्रोसर्कल। ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, इनके पास जो है यूजुअली 5 एक्सपोज्ड गिल्स होती है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और इनमें जो है हमारे पास जो है कुछ ऐसी होती है जिनके पास जो है ओपेरिकुलम नहीं होता। व्हाट इज द ओपेरिकुलम, तो ओपेरिकुलम इज द कवरिंग दैट इज प्रेजेंट ऑन द गिल्स, इनके ऊपर जो है इधर कोई कवरिंग वगैरह दिखाई नहीं देती, तो इसको हम कहते हैं कि इनके पास ओपेरिकुलम प्रेजेंट नहीं होता। इनकी जो मिसालें हैं, हमारे पास जो स्कोलिडोन आता है, स्कोलिडोन साराकोआ जिसको कहा जाता है डॉगफिश, ठीक है, ये स्मॉल शार्क कहलाती है जो कॉमन पाई जाती है हमारे समंदर में। सवाल ये आता है कि इसको डॉगफिश क्यों कहा जाता है,
डॉगफिश इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो है अपने शिकार को डॉग की तरह जो है उसका पीछा करती है, तो इस वजह से इसको डॉगफिश कहा जाता है। देन हमारे पास जो थर्ड आती है जिसको हम कहते हैं बोनी फिशेस या ऑस्टियोथाइट्स। बोनी फिशेस हमारी जो है मोस्ट न्यूमरस और ज्यादा इंडिविजुअल है, ठीक है, और स्पीशीज में एंडोस्केलेटन इनका जो है बना हुआ होता है बोनी का, बोन्स का, और एक्सोस्केलेटन जो इनका बना हुआ होता है टाइनी बोनी प्लेट्स का, जिनको साइक्लॉइड्स कहा जाता है, ठीक है, जो इनको जो है टेनोइड कहा जाता है। स्केल्स इनकी जो आउटर एज होती है वो स्मूथ और स्पाइनी होती है। माउथ इनका माउथ की ओपनिंग जो है प्रेजेंट होती है एट द टिप, ठीक है, एंटीरियर टिप आगे की तरफ, उनकी थोड़ी नीचे की तरफ थी। इनका जो इनकी जो गिल्स होती है वो कवर करती है, इनके ऊपर जो है कवरिंग होती है प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है ओपरिकुलम, उनमें ओपरिकुलम नहीं थी। ये फिशेज जो है इनके पास एक एयर ब्लेडर पाया जाता है, एक हवा की जो है थैली गए सेक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो एक्ट करता है हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन जो पानी को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। इनका जो फिन होता है इनके जो टेल फिन होता है वो होमो सर्किल होता है, उनका डाइट सॉरी हेट्रो सर्किल था इनका होमो सर्किल नंबर दूसरा, उसके लिए दूसरा लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं डायफाइसरल, ठीक है। इसमें जो है ईल आती है, सी हॉर्स आता है, फ्लाइंग फिश आती है, ग्लो फिश आती है, ठीक है, और पॉन्फ्रीट आती है, और हमारे पास जो है काप आती है, राहु जिसको हम कहते हैं।